दक्षिणा में ही पेंशन दे दो, गुरु दक्षिणा में ही पेंशन दे दो। आज गुरुजन है, ये देखो गुरुजन है, मांग रहे। इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि नौना पेंशन डकार रहे, हम आज उन्हें ललकार रहे। ये नौना पेंशन लेने वाले, ये धोखेबाज, ये गद्दार, ये हमारे ही वोट से चुने जाते हैं, हमारे ही वोट से चुने जाते हैं, और चुनने के बाद ये हमारी ही नहीं सुनते। जब ये हमारी नहीं सुनते, हमारी मानते नहीं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ऐसे नालायकों से संसद भरने की जरूरत क्या है? सोचो, ऐसे नालायकों को अपना वोट देने की जरूरत क्या है जो आपके हक की बात नहीं करे, जो आपके अधिकार की बात नहीं करे, जो आपकी बात नहीं माने। 5 साल में यह त्योहार आता है, 24 तैयार है और हम भी तैयार है, 24 तैयार है और हम भी तैयार है। सुन लो संसद में बैठे लोगो, मजदूर जाग चुका है, जंतर मंतर पर दहाड़ रहा है। मैं तो साफ कहता हूं कि पेंशन नहीं तो टेंशन देंगे, पेंशन नहीं तो पेंशन नहीं तो पेंशन नहीं तो जो पेंशन नहीं देगा उसे ये कर्मचारी टेंशन देंगे। ये मंच के चारों तरफ भगत सिंह के बसंती को अपने सिरों पर सजाए हुए जो ये कर्मी योद्धा यहाँ बैठे हैं, जो भगत सिंह के बसंती को अपना ताज बना के बैठे हैं, आज यहाँ से कहते हैं, आज सरकारों कान खोल के सुन लो, वरना राज बदल देंगे, राज बदल देंगे। ये तैयारी है, ये एक एक नेता जो अपनी यूनियन का बैठा है, अपने पीछे एक एक लाख सिपाही कर्मचारी लेकर बैठा हुआ, क्रांतिकारी लेकर बैठा हुआ, आज जंतर मंतर आह्वान करता है, आज जंतर मंतर चुनौती देता है, आज जंतर मंतर चिल्ला कर कहता है, जो अपने गुरु की नहीं सुनेगा, जो अपने ड्राइवर की नहीं सुनेगा, जो अपने बाबू की नहीं सुनेगा, जो अपने अध्यापक की नहीं सुनेगा, ऐसे नेताओं की हम भी सुनने वाले नहीं, हम बदल देंगे। और आप देख रहे, एक खेल चल रहा है, एक खेल चल रहा है देश में मीडिया के बंधुओं, हर्षद मेहता रिटर्न। एक नई फिल्म आई है हर्षद मेहता रिटर्न, 1,87,000 करोड़ रुपए LIC के डूब गए। जो कल तक नंबर एक पर होता था, आज ना 10वें में भी नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है। इन्हीं मजदूरों के पैसे से, इन्हीं कर्मचारियों के पैसे से, इन्हीं कर्मचारियों के वेतन से कटे हुए पैसे से, इनकी खून पसीने की कमाई से पैसे उनके शेयर खरीदे गए थे, उनके शेयर। जो दलालों की दलाली करता है, ऐसे दलालों को सुनना होगा कि कर्मचारी अब किसी बहकावे में नहीं आएगा। भाई प्रेमचंद जी के नेतृत्व में, अजय वीर यादव के नेतृत्व में दिल्ली का एक एक कर्मचारी जाग गया है, जाग गया अपने हक के लिए, जाग गया अपने अधिकार के लिए, जाग गया अपनी पेंशन के लिए। ये बहाना, ये चापलूसी, ये राष्ट्रभक्ति का झूठा नगाब, ये तिरंगा ओढ़कर देश को लूटने की साजिश है, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो अडानी का यार है वो देश का गद्दार है। आज चुनना होगा, सुनना होगा, जो अडानी का यार है वो देश का गद्दार है, ये तय करना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा का शानदार सफलतापूर्ण आयोजन करने के लिए रावल साहब, डबास साहब, छिगारा साहब, हमारे नायक अजय भी